पूरा पटना छोड़ के बख्तियारपुर से पर्सनली यहाँ खाना खाने के लिए यहाँ पे स्वाद कैसा लगता है? स्वाद तो क्या कहिए, खाइएगा तो खुद बोलिएगा क्या स्वाद है। टेस्ट तो मत पूछिए, यहाँ लाइन लगा हुआ रहता है, खड़ा रहता है आदमी खाने के लिए। हर मंगल मंगल आते खाने जी, हर मंगल मंगल सब मस्त लगता है खाने में, हर मंगल को मिलता है, हर मंगल मिलता है। रुपया 90 रुपया मटन और 10 रुपया चावल। अच्छा ये मिलने वाला है, वो मिलने वाला है। और ये देखिए यहाँ पे मटन निकाला जा रहा है, दुम। हाँ दुम है, पसंद करते हैं लोग दुम। खसी का पुछी होता है ना, उसी को दुम कहते हैं। अच्छा ये भी लोग खाते हैं? सब व्यापारी लोग आते हैं, बाहर से आरा का आता है, छपरा, सिवान, फिर आसमसोल, बंगाल। और मेरे बात है कि यहाँ पर छोटा क्या रहता है, छोटा खासियत में ये है कि सबका पीस बहुत अच्छा लगता है, खाने में स्वाद मिलता है ये सबका। हाँ और सब्जी बड़ी बात, बिना दांत के रहता है, बिना दांत का रहता है, उदंत रात। ये हमारा पहला लोट है जो खत्म हो चुका है, आधा ज्यादा खत्म हो गया, आधा ज्यादा खत्म हो गया। हाँ पीछे बन रहा, ये 8 किलो का बच्चा था, ये भी 8 किलो का बच्चा। हाँ मतलब दिन भर में कितना खसी कर जाता है? दिन भर में 4 को 5 को कर देते। और ये देखिए यहाँ पे जो ग्रेवी है ना मसाला, वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। और यहाँ पे आपको बोलते हैं ना, ये देखिए ये क्या डाल रहे हैं, प्याज है, उबाला हुआ प्याज। हाँ ये देखिए उबला हुआ प्याज इसमें डाला जाता है, ताकि इससे जो स्वाद है ना मीट का और खसी का अलग आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको मटन के साथ गर्मा गर्म ये देखिए ताजा जलेबी खाने मिलने वाला, पूरी खाने मिलने वाला। यहाँ पे आइए और गर्मा गर्म लुफ्त उठाइए। और ये देखिए कच्चे प्याज को जो है ना उबाल के इसको आप इसमें मसाले में ग्रेवी में चलाया और मिलाया जा रहा है, ताकि जो टेस्ट है ना ग्रेवी और मसाले का वो सारे प्याज में अच्छे से घुल मिल के बोदम। और ये देखिए फ्रेश फ्रेश, ये देखिए फ्रेश फ्रेश जो मटन है यहाँ पे आ चुका है। तो लगभग कितना केजी का मटन है ये? कम से कम 7 केजी का, 7 केजी का बच्चा। अच्छा बच्चा मीठा ज्यादा अच्छा रहता है? हाँ बच्चा का मीठा अच्छा रहता है। अच्छा उठा के देखिए, और पीस देख रहे काफी बड़ा बड़ा रहता है आपके यहाँ, पीस कितना ग्राम का रहता है? 100 ग्राम का रहता है, 100 ग्राम से ऊपर रहता है। ये देखिए 100 ग्राम से आपको ऊपर मिलने वाला। और सबसे बड़ी बात है ना यहाँ पे आपको छोटा खस्सी कट्टा यहाँ पे है ना, छोटा बच्चा पाठी कट्टा है, उदंत उदंत का, बिना दांत का बच्चा। अच्छा स्वाद बढ़िया रहता है? हाँ स्वाद बढ़िया रहता है। सारा अपना खस्सी रहता है कि गांव का? सब गांव का खस्सी रहता है। अच्छा सब गांव का खस्सी रहता है, वहीं से किनते हैं, अपना कटवाते हैं, बनाते हैं। अच्छा किनते हैं और बनाते हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी बात है खुद से काटते हैं, खुद से पोसते हैं और यहाँ पे खस्सी बनाते हैं, और हर मंगल को मंगल खिलाते हैं। हाँ हर मंगल का मंगल। टाइमिंग क्या रहता है आपके? सुबह के 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है, दोपहर के 2 बजे तक मटन मिलेगा, 2 बजे के बाद कलेजी गुर्दा लर ये सब मिलेगा। 2 बजे बाद कलेजी कुछ रहा ये सब मिलेगा? हाँ 2 बजे के बाद वो मिलेगा, कलेजी गुर्दा टेपरा। चिस्ता है इसमें? चिस्ता भी रहता है? हाँ चिस्ता भी रहता है, चिस्ता भी इसमें है, चिस्ता भी आपको खाने मिलने वाला है यहाँ पे। तो आप लोग भी अगर ये देखिए चिस्ता भी आपको यहाँ पे, ये देखिए एकदम छोटा सा चिस्ता आपको, जो लोग शौकीन। प्राइस क्या रखे चिस्ता का? 120 रुपया। ये देखिए आपको दम बोलते हैं ना फ्रेश ताजा चिस्ता यहाँ पे आपको दम खाने मिलने वाला है, और शौकीन है तो आइए और लुफ्त उठाइए मटन का। और ये देखिए पीछे देख सकते हैं यहाँ मटन मतलब लॉट बाय लॉट। अभी ये आदि और लहसुन आदि और मिर्चाई का पेस्ट है, आदि और मिर्चाई का पेस्ट मतलब अलग से खुद तैयार करते हैं? हाँ मशीन से पीसते हैं, मिक्सी से। अच्छा पीस कर तैयार करते हैं। ये देखिए इसमें गया गजब का, और जो खुशबू है ना मसाले का, और मसाला वसाला सब कहाँ का रहता है आपका? सब मिक्सी में पीस के बनाते हैं, घर ही में, बाहर का कोई में नहीं, बाहर का नहीं आता। और दिन भर में कितना खस्सी का जाता है? 5 को 5 खस्सी का जाता है। और सबसे बड़ी बात है छोटा सा खस्सी रहता है ना, कहाँ कहाँ से आते हैं लोग खाने के लिए? सब आता है बंगाल से, आसमसोल, बाहर से आता है, छपरा से भी आता है आदमी। सारे व्यापारी लोग आते हैं? सब व्यापारी लोग खाने के लिए, सब व्यापारी लोग आते हैं, बाहर से आरा का आता है, छपरा, सिवान, फिर आसमसोल, बंगाल। और मेन बात है कि यहाँ पर छोटा पाठी बनता है, छोटा मेन बात है कि छोटा छोटा पाठी बनता है, उसका मीट बहुत ही लाजवाब रहता है, बहुत ही टेस्टी रहता है, छोटा खस्सी में स्वाद बढ़िया रहता है, देखने से लग रहा खुशबू से पता चल रहा है, बहुत टेस्टी रहता है। अच्छा ये देखिए खुशबू से आपको यहाँ पर पता चलेगा छोटा पाठी। अच्छा सारा पीस मिलेगा इसमें? हाँ सारा पीस। सीना का साइज चेक करें, इतना बड़ा साइज आपको बहुत कम जगह पे ना मिलने वाला, 100 ग्राम तुमको लगता है लगभग पारे होता है? 100 ग्राम के ऊपर आता है नेट। अच्छा पीस की मैं बात करूँ ना, सारा कस्टमर जो डिमांड करेंगे वो मिलेगा? हाँ जो डिमांड कीजिए वो आपका पीस। एक पीस कितना ग्राम का होगा लगभग? एक पीस कम से कम 100 ग्राम का। 100 ग्राम का। प्राइस क्या रहता है एक पीस का? एक पीस का 90 रुपया। चावल प्राइस क्या रहता है एक पीस का? एक पीस का दाम है 90 रुपया, और चावल के साथ 100 रुपया। चावल के साथ 100 रुपया। और पूरी भी देखिए, पूरी भी दम गर्मा गर्म रखे हुए, उसके साथ क्या है? पूरी के साथ है, पूरी 5 रुपये पीस है। अच्छा 40 रुपये प्लेट, 40 रुपये प्लेट है पूरी जलेबी। अच्छा और सब्जी, सब्जी भी रखे हैं यहाँ पे खाने के लिए। ये देखिए गर्मा गर्म सब्जी भी खाने मिलने वाला।
ये हमारा पहला लोट है जो खत्म हो चुका है। आधा ज्यादा खत्म हो गया, आधा ज्यादा खत्म हो गया। हाँ पीछे बन रहा, ये 8 किलो का बच्चा था, ये भी 8 किलो का बच्चा। हाँ मतलब दिन भर में कितना खस्सी कट जाता है? दिन भर में 4 को 5 को कट जाता है, 4 को 5। मंगल को मंगल खुलता है, मंगल को मंगल यहाँ। हाँ मंगल को मंगल। और यहाँ पे लोगों का भीड़ देख सकते हैं, बोलते हैं ना सुबह के टाइम में यहाँ पे लोग आते हैं खाने के लिए मटन चावल सिर्फ स्पेशली, बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे। और ये देखिए सुबह के टाइम में भीड़ देख सकते हैं लोगों का, यहाँ पे आते हैं लोग आने के लिए। और यहाँ पे बोलते हैं देसी स्टाइल दम ढाबा वाला फील वाला गाँव वाला फील, दम टेंट उंट लगा के दम यहाँ पे ये खाना खिलाया जाता है। ये देख सकते हैं आपके सामने, कैसा लगता है आपको खाने का? बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कहाँ से आए खाने के लिए? हमें आए इधर से, मैसूर से। अच्छा मैसूर से आए खाने के लिए? हाँ मैसूर से आए खाने के लिए। तो हर मंगल मंगल यहाँ पे आते हैं? हाँ हर मंगल मंगल इधर आते हैं। बात कब बात तो अच्छा है। हाँ स्वाद बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, स्वाद बढ़िया है, साफ सफाई एकदम बढ़िया है। हाँ सब बढ़िया है। देखिए मात्र 10 मिनट हुआ और कलर आप देख सकते हैं आपके सामने, लगता है लगभग ये तैयार हो चुका है। अभी तो नहीं हुआ, अभी तो मैं लगेगा कम से कम आधा घंटा, आधा घंटा और लगेगा। अच्छा उसके बाद रेडी हो जाएगा ना? उसके बाद रेडी हो जाएगा। तो छोटा खत्ती में स्वाद बढ़िया है। और यहाँ पे देखिए लगभग 15 मिनट हुआ और इसे लेके चलाया और मिलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है ना यहाँ पे आपको एकदम सारा होता है ना सेटअप, एकदम आपको एकदम फ्रेश फ्रेश मिलेगा। ऐसा नहीं यहाँ पे आप आइएगा तो एकदम फ्रेश फ्रेश 4 से 5 खत्ती कटता है। और सबसे बड़ी बात है छोटा खत्ती गाँव का इनका पोसा हुआ खत्ती एकदम आपको खाने मिलने वाला है। सारा कुछ सेटअप है, पहला लोट बन चुका है वो भी खत्म हो गया, ये दूसरा लोट है। कस्टमर का भीड़ देखते हैं, इधर मटन बन भी रहा है, इधर लोग खा भी रहे हैं अपने मन से। और यहाँ पे आपको गर्म गर्म पूरी मिलने वाला है, जलेबी है, सारा कुछ सेटअप है ना। और आप भी व्यापारी हैं खस्सी के या आ रहे हैं बकरी मंडी, शौकीन है मटन के, तो आइए एक बार लुत्फ उठाए यहाँ पे आपको एकदम गर्मा गर्म फ्रेश मटन। और सबसे बड़ी बात है कि आपको मात्र 100 रुपये में मटन चावल यहाँ पे आपको खाने मिलने वाला है, और साथ में चिस्का भी आपको कम प्राइस में मिलने वाला है यहाँ पे। और ग्रेवी का रंगत आपके सामने काफी बढ़िया है। और आइए एक बार, और ये देखिए मसाला आप डाला जा रहा है, ये कौन सा मसाला डाल रहे हैं? ये कश्मीरी मिर्च। अच्छा ये कश्मीरी मिर्च डाल रहे हैं। अब ये देखिए इसके कितना घंटा बाद डाल रहे हैं इसको? कम से कम 15 मिनट के बाद। अच्छा 15 मिनट के बाद डालते हैं। ये देखिए कश्मीरी मिर्च एक डब्बा इसमें डाल दिया गया है, मतलब खुशबू जो बोल रहे हैं मटन की वो तो बेहतरीन और उमदा वाला जो टेस्ट बोलते हैं ना, लाजवाब वाला सुपर डुपर वाला टेस्ट, वो मुझे यहाँ पे मिल रही है। काफी बढ़िया यहाँ का मटन और लगातार इसे चलाया और मिलाया जा रहा है। और ये देखिए गजब का, मतलब बाहर का मसाला कोई चीज नहीं, सब घर का मसाला रहता है, गोल मिर्च जीरा धनिया सारा घर का। हाँ सारा घर का। और कितना देर में फाइनली रेडी कर देते हैं पूरा? कच्चा मीट डालने के बाद समझे कम से कम 40 मिनट लगता है। 40 मिनट में रेडी कर देते हैं? 40 मिनट। और छोटा खत्ती में खासियत क्या होता है उसमें? इसमें है कि मीट तुरंत सीज भी जाता है और स्वाद भी बहुत बढ़िया रहता है। मीट तुरंत सीज जाता है, स्वाद भी बढ़िया, बिना दांत का उदन। अच्छा पहला लोट मेरा खत्म हो चुका है, दिन भर में 5 को बनता है। अच्छा, दूसरा लोट वहाँ चढ़ा हुआ। अच्छा, दूसरा लोट ये देखते हैं आपके सामने बन रहा है और यहाँ पे कस्टमर लोग भी खा रहे हैं। और ये देखिए फिर से ये मसाला गया, ये कौन सा मसाला गया इसमें? धनिया पाउडर गया, ये इसमें धनिया पाउडर गया और थोड़ा सा धुआं के कारण मटन दिख नहीं रहा, पर इसकी जो खुशबू और इसकी जो मिठास जो मिल रही है मुझे काफी बढ़िया है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि छोटा खत्ती यहाँ पे बनता है और छोटा खत्ती में जो स्वाद और मिठास जो रहता है ना, और सबसे बड़ी बात बिना दांत का रहता है ना। हाँ। बिना दांत का यहाँ पे आपको खत्ती। और ये देखिए आपको गर्मा गर्म जो लोग चावल के शौकीन है ना, यहाँ पे मटन के साथ आपको एकदम गर्मा गर्म चावल खाने मिलने वाला है। आपको मटन के साथ पूरी भी खाने मिलने वाला है, ये देखिए गर्मा गर्म मस्त लगता है खाने में। हर मंगल को मिलता है, हर मंगल मंगल मिलता है। हाँ हर मंगल मिलता है। और सबसे बड़ी बात है छोटा खत्ती मिलता है। हाँ हाँ छोटा का सर कैसे लगता है? टेस्ट बहुत बढ़िया रहता है, बहुत बढ़िया टेस्ट रहता है। हर मंगल मंगल आते हैं जी? हर मंगल मंगल। कहाँ से आए खाने के लिए? बख्तियारपुर से। बख्तियारपुर से आए खाने के लिए? रेगुलर यही खाते हैं हमेशा जी? हाँ यही खाते हैं, पूरा पटना में छोड़ के यही खाते हैं। क्या बोले? पूरा पटना छोड़ के यही खाते हैं, पूरा पटना छोड़ के बख्तियारपुर से पर्सनली यहाँ खाना खाने के लिए। खाने के लिए आए यहाँ पे। स्वाद कैसा लगता है? स्वाद तो क्या कहिए, खाइएगा तो खुद बोलिएगा क्या स्वाद है। तो सबसे खास बात है छोटा मटन यहाँ खस्सी का मिलता है, पीस बहुत बढ़िया रहता है। हाँ, पीस, पीस मिलता है। टेस्ट तो मत पूछिए, यहाँ लाइन लगा हुआ रहता है, खड़ा रहता है आदमी खाने के लिए। हर मंगल मंगल आते खाने जी? हर मंगल मंगल। ये हमारा घर का पिसा हुआ काली मिर्च है। अच्छा काली मिर्च है। ये देखिए काली मिर्च इसमें गया हल्का सा और रंगत थोड़ा थोड़ा जो बोलते हैं ना मटन का और बढ़ते जा रहा है, जितना जितना बार इसमें ढक्कन खुलते जा रहे हैं इसमें रंगत खुलता है। और ये क्या? ये गरम मसाला।
अच्छा, ये भी गरम मसाला, ये भी घर का है? घर का। सबसे बड़ी बात कोई सामान बाहर का यूज नहीं करते हैं? नहीं, सारा कुछ आपको घर का पैसा मिलेगा खाना, और आप भी शौकीन है। और यहाँ पे अब सारा मसाला लगभग लग चुका है, और खुशबू मसाला है। अच्छा, खुशबू मसाला ये देखिए, खुशबू मसाला। अच्छा, जब मटन रेडी हो जाता है उसके बाद डाला जाएगा। और ये देखिए, लगातार इसे चलाया और मिलाया जा रहा है, और ये इसके छीटे बीटे ना जो चल के पीछे जो पड़ रहे हैं, और बने रहे हमारे साथ। और यहाँ पे भी गर्मा गर्म ये देखिए चावल भी तैयार हो चुका है। ये देखिए, ये बोले ये हमारा मेन जो स्पेशल मसाला होता है ना, खुशबू मसाला डाल रहे हैं। ये खुशबू मसाला है मेन मसाला आपका? हाँ, खुशबू मसाला इसमें जा रहा है, ताकि मटन में जो खुशबू है ना वो दूर दूर तक जाता है इनका खुशबू। और सही बात है, मसाला डालते ही पता चल रहा है खुशबू का, है ना। और लगभग सारे मसाला हो चुका आपका, सब हो गया, 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। ये देखिए, अब सारे मसाले इसमें डल चुके हैं, और जो खुशबू मसाले का जो खुशबू डाला गया था ना, काफी बेहतरीन सा इसका खुशबू मिल रहा है, और इसे ढक दिया गया। तो मिलते हैं आपके सिर्फ 5 मिनट के बाद, उसके बाद मटन का रंगत देखते हैं, तो बने रहे हमारे साथ। और ये देखिए, पहला लॉट जो था ना इनका वो हो चुका खत्म, और दूसरा लॉट जो स्टार्ट हुआ है वो भी देख सकते हैं कस्टमर के डिमांड से। यहाँ पे ये देखिए, हम जो पीस मांगिएगा वो पीस, और रंगत की बात करें तो आपको रंगत भी एकदम लाजवाब, आपको रंगत यहाँ पे एकदम मिलने वाला है। सुपर डुपर जो बोलते हैं टेस्ट और खुशबू वो आपको मिलने वाला है। और ये देखिए, यहाँ पे मटन निकाला जा रहा है, पसंद करते हैं डुम? खसी का पूछी होता है ना, उसी को डुम कहते हैं। अच्छा, ये भी लोग खाते हैं? 100 रुपया, 90 रुपया मटन और 10 रुपया चावल। अच्छा, ये मिलने वाला है। चुस्ता का 120 रुपया, कोई कोई चुस्ता लाता है मोटा, उसका 200 रुपया लगता है, 150 रुपया लगता है, जैसा साइज वैसा प्राइस। हाँ, जैसा साइज वैसा प्राइस। पीस सारा मिलेगा इसमें? हाँ, पीस टोटल इसमें, पालू का पीस है। प्योर खसी मिलेगा नहीं? हाँ, प्योर खसी है। अच्छा, प्योर आपको खसी मिलेगा? छोटा खसी में खासियत क्या रहता है? छोटा खासियत में ये है की सबका पीस बहुत अच्छा लगता है, खाने में स्वाद मिलता है ये सबका। हाँ, सबसे बड़ी बात बिना दांत के रहता है, बिना दांत का रहता है, उदंत रहता है।